आर्य थे वो कई कबीलों में क्या थे, बटे थे। आप भी जानते हैं जो आर्य थे वो क्या थे, कई कबीलों में क्या थे, बटे थे। अब आप अपना अपना मिला लीजिएगा कि किसने क्या क्या लिखा है, ठीक है। दो लाइन की बात जानता है कोई तो तीन लाइन लिख देगा, कोई दिक्कत। आर्य कबीलों में बटे हुए थे, स्वाभाविक से बात है हर कबीले का अपना एक राजा होता था, और इनके मध्य क्या होते थे, युद्ध भी होते थे। दासराग युद्ध आपने सुना होगा, ये दो कबीलों के बीच क्या है, युद्ध हुआ था। उसी में पूछा गया है पंचजन, वही कबीलों का ही क्या है उदाहरण है। तो आप लिख दीजिएगा, पहली लाइन आपको लिखना चाहिए, जिन्होंने भी नहीं लिखा होगा तो मिलाइएगा, कि ऋग्वेद में कई कबीलों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कई कबीलों का क्या है, उल्लेख है। ये पहला आपको पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको लिखना चाहिए कि जब कई कबीले हैं तो प्रमुख कबीले का एग्जाम्पल दे देना है, या प्रमुख कबीले जो भी है, इसमें पुरु, तुर्वश, इसके बाद यदु, द्रुहु, थोड़ा नाम वो है अलग अलग है, अनु, थोड़ा कठिन है नाम याद करना, इसको आप अपने हिसाब से किताब में देख लीजिएगा। यही सब है, पुरु, तुर्वश, यदु, द्रुहु और अनु, ये पांच है, किसी भी किताब में आप देखेंगे तो बहुत आसानी से दिख जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको लिख देना है कि सामूहिक रूप से इन्हें ही पंचजन कहा जाता है। सामूहिक रूप से इन्हें ही पंचजन या पंचजन्य कहा जाता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या है, इसमें चित्र बनाए होंगे, अलग अलग चित्र बनाए होंगे डिजाइनदार, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नए खिलाड़ी हो वो पहले चित्र पे ज्यादा ध्यान मत दो, कंटेंट पर फोकस करो। किस पर करो, कंटेंट पर। ऋग्वेद को अंडरलाइन करना है, कर दो, और अच्छी बात है। अंडरलाइन कर दोगे तो क्या हो गया, एग्जामिनर क्या होता है, डायरेक्ट वहां पहुंच जाएगा। एग्जामिनर के पास मॉडल आंसर होता है, मॉडल आंसर में स्पष्ट ऋग्वेद का जिक्र होगा। जिस भी बच्चे की कॉपी पे ऋग्वेद देख लेगा, वो कबीला देख लेगा, प्रमुख कबीले पुरु, तुर्वसु, यदु, द्रुहु और अनु देख लेगा, ऑटोमेटिक उसकी कलम चल जाएगी 3/3। और अगर उसने यहां पर तुमने ऋग्वेद की जगह कुछ और पटांग लिख दिया, पता चला कि मौर्य काल में प्रमुख तीर्थ अधिकारी का क्या है उदाहरण है, ऐसा अगर लिख दिया तो वो एग्जामिनर क्या है, आपको 0/0 देगा। अब आप पूछेंगे कि नहीं बनता तो क्या करें, नहीं बनता तो छोड़ दो। थोड़ा अगर 10% बनता है तो हमें लिखना है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत डिसाइडिंग करेगा आपका, बहुत ज्यादा डिसाइडिंग। हमने इसीलिए कहा कि आंसर राइटिंग क्या है, एक स्किल है, धीरे धीरे चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हमें कोशिश ये करना है कि अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो उसे बना के अपने हिसाब से क्या है, गोल गोल घुमा के लिख देना है। कोई पूछेगा कि यार ये सब नहीं आता तो क्या करें, इनको मत नाम लिखो, ऐसा लिख दो कि प्रमुख कबीले पुरु, तुर्वसु, यदु, जो भी 2-3 याद आते हैं आदि, ठीक है। और नीचे कुछ भी लिख दो, ठीक है, इन्हीं के कारण या दासराग युद्ध दो कबीलों के बीच हुआ था, इस टाइप का कुछ भी एग्जाम्पल लिख दो। नहीं से अच्छा है कि 1 नंबर मिल जाएगा, 1.5 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या है लिखना है, 3 पॉइंट हमें लिखना है। एक बात याद रखना, कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बात लिखोगे वो सही और क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करने वाली होनी चाहिए, तभी नंबर मिलेगा। फूल, पत्ती, सितारा, डायग्राम, फ्लोचार्ट, वो बाद की बात है, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है, पहले कंटेंट मजबूत होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से किया होगा।